हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं एंड दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों आज फिर सैटरडे है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हर शनिवार के दिन रात को 8 बजे हम एक प्रीमियर करते हैं और उसका नाम है दोस्तों जीरो टू हीरो। और आज दोस्तों इस श्रृंखला के तहत यह एपिसोड नंबर 20, एपिसोड नंबर 20 दोस्तों। दोस्तों ये एक सेपरेट लिस्ट में ये सारे वीडियोस पिछले एपिसोड्स के उपलब्ध हैं। ये जानकारी मैं देना चाहूंगा क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स चैनल में आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी बिगिनर्स हैं और या फिर जो ट्रेडर्स हैं अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, वो सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका टाइटल है जीरो टू हीरो, जिसमें ये सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक एक करके मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके और हम इन सारी स्टडीज को कंबाइन करना सीख सकें ताकि टेक्निकल एनालिसिस में एक एक्यूरेसी आ सके और हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में सफल हो सके। तो दोस्तों पिछले एपिसोड्स में आपने देखा दोस्तों कि हमने पहले फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बात की, हमें जाना कि किस तरह से इन्हें हम डिवाइन नंबर्स बोलते हैं और ये हमारे नेचर में, हमारे इन एंड अराउंड, हमारे शरीर में इनका रेलेवेंस देखा गया दोस्तों। तो ये मैजिक नंबर्स जो है दोस्तों, इसके बाद हमने इन मैजिक नंबर्स के जानने के बाद हमने देखा कि हम गोल्डन रेशियो किसे बोलते हैं और उसके बाद जाना दोस्तों कि गोल्डन रेशियो जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो 61.8 है या 0.618 है। और दोस्तों बाकी जितने भी रेशियोज हैं, चाहे वह 0.382 हो या फिर दोस्तों 0.786 हो, ये सारे रेशियो दोस्तों गोल्डन रेशियो से डिराइव किए गए हैं, मैथमेटिकली डिराइव किए गए हैं। तो दोस्तों इसका रेलेवेंस हमने उसके बाद के एपिसोड में देखा कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके हम एक बाउंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और जैसा हमने जाना दोस्तों कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टूल नहीं है, इन्हें दूसरे स्टडीज के साथ हमें कंबाइन करना पड़ता है, तब जाके एक ये मैजिक टूल की तरह काम करते हैं। और वो दोस्तों हमने क्या जाना कि हम इसे प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करते हैं, हम ट्रेंड लाइन के द्वारा इसे कंबाइन करते हैं, राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर ये अप ट्रेंडिंग प्रिवेलिंग ट्रेंड है तो, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन अगर हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में है तो। और दोस्तों साथ में हमने देखा कि किस तरह से हम इसे मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी रहने से वो किस तरह से हम अर्ली अपने ट्रेड को पकड़ सकते हैं ताकि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके बहुत छोटे रिस्क पे हम ट्रेडिंग पोजिशन लेके, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो, लेकिन बेसिक चीज को हमें इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। और बेसिक चीज है, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है। तो दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं और इसे सारे स्टडीज में हम कंबाइन करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो बहुत सारे कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट्स को कंसीडर करके हम एक दिशा में बढ़ते हैं जहां पे एक
हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में हमें सफलता मिलती है और हमारे चांस ट्रेडिंग में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सफल होने के मेनी टाइम्स एनहांस हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीरो टू हीरो श्रृंखला एपिसोड नंबर 20 में डिस्कस करेंगे दोस्तों फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को। और दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फिबोनाची एक्सपेंशन, जिसे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल भी कहा जाता है, जो ट्रेंड बेस्ड टूल है, इनका इस्तेमाल करके हम किस तरह से इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल को निकाल सकते हैं, जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट की संभावना हम कर सकते हैं। और वंस हमें स्टॉप लॉस पता लग जाए, एंट्री पॉइंट पता लग जाए, टारगेट की जानकारी हो जाए दोस्तों, तो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और तब हम जान सकते हैं दोस्तों कि ये ट्रेड एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला ट्रेड है, जिसे हमें लेना चाहिए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है कि नहीं है। और अगर दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो इससे बेहतर होगा कि इस ट्रेड को छोड़ दें। तो एनालिसिस का पर्पस दोस्तों, एक होलिस्टिक एनालिसिस करने का तात्पर्य यह है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करें जहां हम एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी पे काम करें, जहां रिस्क छोटा हो और रिस्क के कंपैरिजन में एक रिवार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी हायर होना चाहिए, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, ताकि अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं और 100 ट्रेड में से अगर हम 40 ट्रेड में भी 50 ट्रेड में भी सफल होते हैं दोस्तों, तो हम ओवरऑल एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर में, पोजीशन साइजिंग के ऊपर में जीरो टू हीरो श्रृंखला में हम टॉपिक को कवर करेंगे, तो वहां कैलकुलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करके अगर रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस है तो हम मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य, पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद इनेबल करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि फिबोनाची एक्सपेंशंस, या जिन्हें हम एक्सटेंशंस भी बोलते हैं, वो होते क्या हैं। दोस्तों, ब्रॉडली आप ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझिए। हमें ट्रेडिंग एक सक्सेसफुली करने के लिए या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है दोस्तों कि हम किस पॉइंट पर एंट्री करें। तो दोस्तों, पहला एस्पेक्ट है कि किस पॉइंट पर एंट्री करें। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों,
टारगेट संभावित क्या है दोस्तों, व्हाट आर द पॉसिबल टारगेट्स फॉर विच वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब दोस्तों अगर ये तीन फिगर्स हमें मिल जाते हैं तो हमें रिस्क का पता लग जाता है कि उस ट्रेड में अगर मुझे लॉस होगा तो कितना लॉस होगा पर शेयर। और टारगेट पता लगने से यह पता लग जाता है दोस्तों कि हमका प्रॉफिट होगा तो पर शेयर कितना प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की बात की जो हमें मदद करता है दोस्तों कि हम अपनी एंट्री को डिसाइड कर सके। तो रिट्रेसमेंट टूल की स्टडी हमें मदद करती है कि हम कहां पर एक प्रॉपर तरीके से एक राइट वैल्यूएशन पर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। एंड दोस्तों फिबोनाची एक्सपेंशन टूल या एक्सटेंशन टूल हमें मदद करता है कि हमें टारगेट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों एंट्री स्ट्रेटजी एंड एग्जिट स्ट्रेटजी ये दोनों ट्रेड में एंट्री करने के पहले ये वेल डिसाइडेड होना चाहिए और ये फर्म होनी चाहिए। अधिकतर टाइम देखा गया है दोस्तों कि जब हम फर्म स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हैं तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं इमोशंस में कॉट अप हो जाते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो हमारे प्रॉफिट छोटे होते हैं एंड लॉसेस बड़े होते हैं, तो हम कभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फिबोनाची एक्सपेंशन वो एग्जिट स्ट्रेटजी को हेल्प करेंगे और पिछले एपिसोड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल जो किया हमने वो एंट्री में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों आप इसे गौर से सोचिए कि दोस्तों ये बेसिकली फंडामेंटली किस एस्पेक्ट पे काम करते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है या स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरता है। तो दोस्तों मार्केट में वेव का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ अंतर यह है दोस्तों अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो ऊपर जाने वाली वेव जो होगी वो बड़ी होगी जिसे हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं और उसके बाद दोस्तों उसमें सेलिंग प्रेशर आता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक करेक्शन होता है जिसे हम करेक्शन बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और दोस्तों ये प्रक्रिया मार्केट की वेव फॉर्मेशन की जारी रहती है जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती है जब मार्केट मार्कअप फेज में होता है, ट्रेंडिंग फेज में होता है। सिमिलरली दोस्तों जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि नीचे गिरने वाली वेव का साइज बड़ा होगा और उसे हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं, जबकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में गिरता नहीं है तो उसमें भी करेक्शन होगा, पुल बैक होगा, रिट्रेसमेंट होगा और ये रिट्रेसमेंट मेन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और इन प्रिंसिपल के तहत अगर हम वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहां हम ये समझ पाते हैं कि रिट्रेसमेंट या पुलबैक की प्रक्रिया अब यहां पे समाप्त होती हुई नजर आ रही है, वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों। और इस हाई प्रोबेबिलिटी के लिए दोस्तों हमने डिस्कस किया कि हम बहुत सारी स्टडीज के साथ इसे कंबाइन करते हैं। अब दोस्तों एक्सपांशन टूल हमें क्या मदद करता है, एक्सपांशन टूल हमें मदद करता है हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों ट्रेंड बेस्ड एक्सपांशन, फिबोनाची एक्सपांशन या फिबोनाची एक्सटेंशन टूल उपलब्ध होता है और यह हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टारगेट के बारे में इंडिकेशन देता है। और यह कब, जब
पुलबैक या करेक्शन की समाप्ति हो गई है, उसके बाद ही इसे निकाला जाता है दोस्तों। एंड दोस्तों, जब हम एक्सपेंशन लेवल निकालते हैं जो एक प्रोबेबल टारगेट होता है, तो वो टारगेट जो होता है दोस्तों वो एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट भी होता है, इसलिए वहां पर हम टारगेट को बुक करते हैं, या ट्रेंड को अगर हम राइड कर रहे हैं दोस्तों तो हम अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लेते हैं ताकि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके और ट्रेंड को राइड कर सके। तो दोस्तों मुख्यतः फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल वर्सेस फिबोनाची एक्सपेंशन या एक्सटेंशन टूल का मतलब है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें मदद करते हैं एंट्री डिसाइड करने में मार्केट में, और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल या एक्सटेंशन टूल हमें मदद करते हैं उस पोटेंशियल टारगेट को निकालने में, ताकि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो भी निकाल सके और एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे और समझते हैं कंसेप्चुअली फिबोनाची एक्सपेंशंस या एक्सटेंशंस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जैसा अभी हमने जिक्र किया कि हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये टूल उपलब्ध होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो इंपॉर्टेंट लेवल निकालने में, जहां पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और या फिर दोस्तों क्योंकि वो एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट भी है, या तो वो रेजिस्टेंस एरिया होगा तो प्राइस एक्शन से समझ में आ जाएगा चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा कि इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस भी उसी जगह पे आ रहा है जहां पर ये एक्सपेंशन टूल इंडिकेट कर रहे हैं पोटेंशियल टारगेट, तो और ऑब्वियस हो जाता है उस जगह पे प्रॉफिट बुक करना। और दोस्तों अगर वो टारगेट इस जगह पे आ रहा है और उसके पहले में ही एक पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो बेहतर होगा कि ट्रेड को हम अवॉइड कर दें, ट्रेड ना लें। तो दोस्तों ये हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस चार्टिंग टूल का इस्तेमाल मैं करता हूं उसका फ्री वर्जन भी उपलब्ध है और पेड वर्जन भी उपलब्ध है। मैं उसका लिंक पहले भी हमने चैनल में दिया है दोस्तों, लेकिन काफी वक्त हो गया है, मैं फिर से इस वीडियो के एंड में उस चैनल का लिंक दूंगा, या चैनल पेज पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक परमानेंटली दिया हुआ है, वहां से आप उसे लिंक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर में प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं इवन फ्री अकाउंट में। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल्स क्या है, वो कुछ नहीं है दोस्तों। पिछले एपिसोड में जो हमने फिबोनाची रेशियो की बात की, उन्हें जब आप परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो टूल में जो दोस्तों जब हम चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करते हैं टूल का इस्तेमाल करके, तो वो सारे परसेंटेज टर्म्स में इंडिकेट किए जाते हैं कि कितना परसेंट मूव होगा इस पुलबैक होने के बाद, कितनी संभावना है उस एक्सपेंशन की, उस एक्सटेंशन की जहां पे एक पोटेंशियल टारगेट की संभावना है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वाइडली एंड कॉमनली एक्सपेंशन लेवल्स हैं क्या, जहां पर देखा गया है ऑब्जर्व करके प्राइस चार्ट पर कि मेनी अ टाइम्स ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुक करने से बेहतर होगा, क्योंकि खास करके जो स्विंग ट्रेडर है बाउंस बैक स्ट्रेटजी में ट्रेड करते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडर अगर नहीं है तो इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट भी है। और वो लेवल है दोस्तों 61.8%। तो हमने रिट्रेसमेंट में देखा गोल्डन रेशियो 61 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन में भी वही लेवल है दोस्तों 61.8%। और सेकेंड लेवल है दोस्तों 100%, एंड थर्ड लेवल है दोस्तों 161.8%।
एंड देन दोस्तों 261.8%। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो एक एक लेवल की यात्रा को तय करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाते हैं, और जो स्विंग ट्रेडर है या बाउंस बैक स्ट्रेटजी में विश्वास करते हैं, शॉर्ट टर्म प्ले करते हैं, तो दोस्तों वो एंट्री करने के बाद दो तरह की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं कि हमारा जो रिस्क आ रहा है हमारी एंट्री में से 2 times या 2.5 times हम ऐड कर दें और टारगेट निकाल दें। अगर वो टारगेट विद इन 61.8% या 100% लेवल में आ रहा है तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो दोस्तों बेसिकली हम देखें तो 61.8% का बहुत मेजर रोल है दोस्तों। अधिकतर ट्रेडर जो पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं वो एक बड़े गोल की तरफ भी काम करते हैं, तो 161.8% एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टारगेट होता है दोस्तों। और आज हम एग्जाम्पल के दौरान इन चीजों को चार्ट के ऊपर में देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम रिट्रेसमेंट टूल को इस्तेमाल करेंगे ताकि पोटेंशियल एंट्री पॉइंट देख सकें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस तरह से टारगेट निकालें एक्सपेंशन टूल को इस्तेमाल करके, और तीसरा देखेंगे दोस्तों किस तरह से हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं इन टूल का इस्तेमाल करके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेंशन से या रिट्रेसमेंट से हमारा तात्पर्य क्या है। तो चलिए दोस्तों हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से इसकी डेवलप करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला एग्जांपल जो मैं पिक्टोरियल डायग्राम में ले रहा हूं दोस्तों वो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है और ट्रेंड जो प्रिवेलिंग है दोस्तों वो अप ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों, जहां पर इंपल्सिव वेव जो होगी दोस्तों, ऊपर जाने वाली वेव जो होगी उसका साइज बड़ा होगा और जो करेक्टिव वेव होगी उसका साइज छोटा होगा। इसका तात्पर्य है दोस्तों मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तभी तो ये संभावना आएंगी। तो दोस्तों चलिए इसे समझते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो ये इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट ऊपर गया और ऊपर आने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मार्केट ने एक हाई बनाया उस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, देयर ऑलवेज बी अ पुल बैक एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट। अब दोस्तों ये करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां दोस्तों देखिए इंपल्सिव वेव हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज अप ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा होता है और जो करेक्शन होता है वो छोटा होता है। अब ये एक पोटेंशियल पॉइंट है दोस्तों कि इस जगह पे करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आया, तो ये पॉइंट जो दोस्तों है यहां पे करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आया। और पिछले एपिसोड में हमने देखा दोस्तों कि ये जो पोटेंशियल एरिया है यहां पे हम क्या करते हैं, पिछले प्राइस एक्शन के द्वारा यहां पे या तो कोई पहले सप्लाई एरिया था जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, या दोस्तों कोई हमने ट्रेंड लाइन खींच के रखी है तो ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ऐसा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, वो चाहे बुलिश एंगल्फिंग हो, बुलिश पियर्सिंग हो, या दोस्तों पिन बार बुलिश पिन बार हो, और या फिर दोस्तों वन वाइट सोल्जर हो किसी तरह का, क्योंकि दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर में कंप्लीट एपिसोड है, और दूसरा एपिसोड है दोस्तों कि किस तरह से फॉलिंग मार्केट में हम प्रॉफिट कर सकते हैं, जहां बेरिश कैंडलस्टिक के बारे में डिटेल्ड में चर्चा की गई है जो हमें मदद करेगा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में।
अब दोस्तों इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मुख्य बात होनी चाहिए कि हम दूसरे स्टडी से कंबाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पिछले प्राइस एक्शन एनालिसिस से पिछले यहां पर एक रेजिस्टेंस था और जहां पे प्राइस पियर्स नहीं कर रही थी, अब ये जो करेक्शन हुआ यहां पे करेक्शन रुकता हुआ नजर आया और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। और जब हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के द्वारा रिट्रेसमेंट खींच के देखा तो ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट करेक्शन ओवर नजर होता नजर आया और वो इंपॉर्टेंट जो करेक्शन था दोस्तों, इसे मैं रिमूव करता हूं ड्राइंग को ताकि आप पढ़ सकें, वो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है दोस्तों 38.2% या 50% या 61.8% या दोस्तों 78.6%। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे करेक्शन हॉल्ट होते हैं। जब शैलो करेक्शन होते हैं दोस्तों तो वो विद इन 38.2% होते हैं और थोड़ा डीपर करेक्शन जो होते हैं दोस्तों वो 61.8% टू 78.6% होते हैं। यस, कई बार 88% तक भी करेक्शन देखा गया है, बट ब्रॉडली वो रेयर ओकेशन होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस लेवल पे जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो उस जगह पे हम ये समझ जाते हैं कि शायद यहां पर अब ये ट्रेंड की समाप्ति हो रही है और ये जो ट्रेंड की समाप्ति होने के बाद ये हमारा एंट्री लेवल हो सकता है और इस जगह के बाद में दोस्तों ये एक इंपल्सिव वेव फिर से फॉर्म होगी और मार्केट हायर हाइज बनाएगा, मतलब पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाने के उसके पोटेंशियल काफी बढ़ जाते हैं और ये दोस्तों लेवल होगा हमारा टेक प्रॉफिट लेवल या टारगेट लेवल जो 61.8% एक्सपेंशन हो सकता है या 100% एक्सपेंशन हो सकता है या 161.8% एक्सपेंशन हो सकता है और इवन 200% भी हो सकता है। तभी तो दोस्तों बड़े पैसे कब बनते हैं, जब हम ट्रेंड को राइड करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और जो स्विंग ट्रेडर है दोस्तों वो नॉर्मली टारगेट 161.8% पर रखते हैं और सेकंड टारगेट 100% पर रखते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में जो एपिसोड 0-0 श्रृंखला में हुआ था, वहां पर फ्लैग पैटर्न्स की बात की गई थी, अप फ्लैग पैटर्न्स की बात की थी अप ट्रेंडिंग मार्केट में, जो मार्कअप फेज में या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में बार बार अपियर होते हैं उस जगह पे किस तरह से हम टारगेट निकालते हैं अप फ्लैग का। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां हमने देखा कि जितना मूव इंपल्सिव वेव का हुआ है और जो करेक्शन वाला पोर्शन है उसे माइनस कर दिया जाए और 100% एक्सपांशन कर दिया जाए तो वो टारगेट निकलता है दोस्तों। तो इस जगह पे भी पोटेंशियल टारगेट 100% अचीव होता है दोस्तों, 161.8% भी होता है, बट ये देखा गया है 61.8% पे सिंस ये एक पोटेंशियल रिवर्सल एरिया है तो वहां पर जाके एक मूवमेंट अप मूव जो है वो स्लो हो जाता है, मोमेंटम की कमी आती है और एक माइनर करेक्शन हम वहां पर देखते हैं बिफोर द प्राइस टेक्स अ नेक्स्ट लीप टुवर्ड्स 100% और 161.8% और इवन 200%। तो चलिए दोस्तों ये हमने कंसेप्चुअल समझने की कोशिश की अप ट्रेंडिंग मूव में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो मार्कअप फेज में है या जिसे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से पिक्टोरियली हम एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम लॉन्ग ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पर दोस्तों हम बाई लो पे करते हैं सेल हाई पे करते हैं सो दैट प्रॉफिट कमा सकें, और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम सेल हाई पे करते हैं एंड कवर लो पे करते हैं या बाई लो पे करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों चलिए अब हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सिमिलर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों, कंसेप्चुअली सेम है, K
केवल सारा कुछ उल्टा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सिंस दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है, जो मार्कअप स्टेज का अपोजिट है तो उसे मार्कडाउन स्टेज भी बोलते हैं, जहां पे मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। तो इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो नीचे गिरने वाली वेव है दोस्तों उसका साइज बड़ा होगा और इसीलिए हम उसे इंपल्सिव वेव बोलते हैं। और जो करेक्टिव वेव है, जब मार्केट पुल बैक लेगा या रिट्रेसमेंट करेगा, तो अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये रिट्रेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिखाएगा, जो पुल बैक जिसे हम बोलते हैं। तो ये करेक्टिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में जो बनती है वो इंपल्सिव वेव के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो दोस्तों ये इंपल्सिव वेव है, मार्केट ने नीचे मूव दिखाया और इस जगह में आके जो शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे, जो सेल करके बैठे हुए थे, वो इस जगह में आके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। इस कारण से एक माइनर डिमांड जनरेट होती है और मार्केट एक पुल बैक लेता है, जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं या करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन होता है। तो ये मार्केट अपसाइड मूव यहां पर दर्शाता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है दोस्तों। और ये एक पोटेंशियल एरिया जहां आता है, जहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक सप्लाई जोन है और यहां पर एक करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जब करेक्शन हॉल्ट होता है तो पॉसिबल फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियोज क्या होंगे, जो परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किए जाएंगे, वो है 38.2, 50%, 50% ऑफ कोर्स फिबोनाची रेशियो नहीं है लेकिन मिड पॉइंट है इसीलिए उसका रेलेवेंस है, एंड 61.8% जो गोल्डन रेशियो है, या 78.6% स्टिल डीपर करेक्शन जो एक डेरिवेटिव है 61.8% गोल्डन रेशियो का। तो दोस्तों यहां करेक्शन की समाप्ति जो हुई है ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा दोस्तों क्योंकि यहां पर पहले से प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा, या तो यहां पर कोई पहले रेजिस्टेंस होगा, सप्लाई एरिया होगा, या फिर दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन खींची गई है जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी, जो रेजिस्टेंस की तरह मल्टीपल टाइम इस लाइन पे रेजिस्टेंस लिया गया है, या कोई की मूविंग एवरेज होगा, वो ईएमए 21 हो सकता है, ईएमए 55 हो सकता है, जो स्लोपिंग डाउन है और प्राइस वहां जाके रिजेक्शन दिखा रही है। और रिजेक्शन दिखा रही है का तात्पर्य है दोस्तों कि इस कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट पर एक बैरिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, वो दोस्तों बैरिश एनगल्फिंग हो सकता है, बैरिश पियर्सिंग हो सकता है, शूटिंग स्टार हो सकता है, या वन ब्लैक क्रो हो सकता है, किसी भी तरह का एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन इस कन्फ्लुएंसिंग एरिया पे, जो कंसाइड कर रहा है एक की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे और साथ में प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लेवल पे, जो एक ट्रेंड लाइन हो सकती है, प्राइस एक्शन के द्वारा निकाली हुई एक सप्लाई जोन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, और या फिर कोई की मूविंग एवरेजेस हो सकता है। अब इस जगह से दोस्तों हम यहां पर, ये एरिया है जहां मैं एंट्री का पॉइंट है, अगर डाउन ट्रेंड है दोस्तों तो एंट्री का पॉइंट क्या होगा, हम शॉर्ट सेल करेंगे और शॉर्ट सेल करके हम एक्सपेक्टेड टारगेट क्या रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम संभावित तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन करेगा, तो एक नए लो बनाने की संभावना मार्केट की प्रबल है। और ये दोस्तों एक्सपांशन लेवल क्या होगा, जो हमारा टेक प्रॉफिट लेवल होगा, जहां हम प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और वो लेवल होगा अगेन दोस्तों सेम 61.8% जो गोल्डन रेशियो है, 100% जो मिड पॉइंट का डबल है,
Of course, it has got nothing to do with the Fibonacci. And 161.8% जो कुछ नहीं है दोस्तों, 100 प्लस गोल्डन रेशियो है और 200%. तो दिस कैन बी दोज हु आर पोजिशनल ट्रेडर विल कीप ऑन ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस एंड राइडिंग द ट्रेंड. तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टडीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं. तो दोस्तों अब हम कंसेप्चुअली समझते हैं कि फिबोनाची एक्सपेंशन को प्राइस चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करने की प्रक्रिया या मेथड क्या है. तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है क्योंकि हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये टूल उपलब्ध है और इसीलिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है. हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हम मार्केट के किस फेज में हैं और प्रिवेलिंग ट्रेंड मार्केट का क्या है. तो दोस्तों मार्केट या तो अप ट्रेंडिंग होगा क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग टूल है, तो या तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्कअप फेज में, और या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जिसे हम रिडिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा. तो हमें आइडेंटिफाई करना है और वो आइडेंटिफिकेशन करना है तीन मेजर पॉइंट्स का. और तीन मेजर पॉइंट्स क्या है दोस्तों, वो है कि जहां पर अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो इंपल्सिव वेव कहां से शुरू हुई, तो स्टार्ट ऑफ इंपल्सिव वेव का पॉइंट मार्क करना होगा, दैट इज पॉइंट नंबर वन. और ये इंपल्सिव वेव कहां समाप्त हुई, जहां से करेक्टिव वेव नीचे चालू हुई, तो इंपल्सिव वेव का जो एंड होगा वही करेक्टिव वेव का शुरुआत होगी, स्टार्ट पॉइंट होगा. तो ये पॉइंट नंबर टू हो गया दोस्तों. और पॉइंट नंबर थ्री क्या है दोस्तों, जहां पे ये करेक्टिव वेव एंड होगी तो वो एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है. तो इन नटशेल, स्टार्ट ऑफ इंपल्सिव वेव पॉइंट नंबर वन, एंड ऑफ इंपल्सिव वेव पॉइंट नंबर टू, एंड एंड ऑफ करेक्टिव वेव पॉइंट नंबर थ्री. ये तीन पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है फिबोनाची एक्सपेंशन टूल के माध्यम से फिबोनाची एक्सपेंशन प्राइस चार्ट पर ड्रॉ करने में, ताकि हम पोटेंशियल टारगेट या टेक प्रॉफिट लेवल को असेस कर सके, निकाल सके. तो चलिए दोस्तों पिक्टोरियली समझते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल, ये इंपल्सिव वेव है दोस्तों अप ट्रेंडिंग मार्केट में, इसका पॉइंट नंबर वन हो गया जहां से ये इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई, शुरू हुई. और पॉइंट नंबर टू क्या हुआ दोस्तों, जहां पर ये इंपल्सिव वेव एंड हुई, जहां से करेक्शन करेक्टिव वेव की शुरुआत हुई. ये हो गया पॉइंट नंबर टू. अब ये करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो ये करेक्टिव वेव जहां समाप्त हुई वो हो गया पॉइंट नंबर थ्री. और ये तीन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सपांशन टूल में वो तीन पॉइंट अवेलेबल रहते हैं, तो हम कर्सर को पॉइंट वन पे रखते हैं, उसे पुल करते हैं पॉइंट टू पे ले जाते हैं, और तीसरे पॉइंट को पॉइंट थ्री पे लाके उसे छोड़ देते हैं. तो आप बाकी लेवल चार्ट के ऊपर में अपने आप आ जाते हैं. इट इज दैट सिंपल. अब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सेम प्रक्रिया है, सिर्फ होगा कि डाउन ट्रेंड की अगर इंपल्स बढ़ी है तो दोस्तों इंपल्सिव वेव है, तो जहां पर ये इंपल्सिव वेव की शुरुआत हुई तो पॉइंट नंबर वन हो गया, ये इंपल्सिव वेव का एंड हुआ पॉइंट नंबर टू हो गया, और ये करेक्टिव वेव का जहां पर एंड हुआ वो पॉइंट नंबर थ्री हो गया. तो इंपल्सिव वेव का एंड और करेक्टिव वेव की शुरुआत कॉमन पॉइंट है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके ये तीन पॉइंट से एक्सपांशन टूल के द्वारा हम एक्सपांशन लेवल को चार्ट के ऊपर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली एक्चुअल प्राइस चार्ट में जाके इसे ड्रॉ करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा. तो दोस्तों चलिए एक्चुअल प्राइस चार्ट पर
हम कैसे फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इसे देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और इसे आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल जो है वो आपके कंसेप्ट्स को काफ़ी हद तक क्लियर कर देंगे, और आगे हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे इस सेशन के दौरान, बट ये एक एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल होगा। बेसिकली हमने एग्जाम्पल अब ट्रेंडिंग मार्केट में पकड़ा है। हम देख सकते हैं विजुअली दोस्तों इस चार्ट पर कि ये जो स्टॉक है वो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि या तो हम इस इम्पल्सिव वेव पे एग्जाम्पल लें या इस इम्पल्सिव वेव पे एग्जाम्पल लें। तो चलिए दोस्तों हम इस इम्पल्सिव वेव को सेलेक्ट करते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों ये यहाँ पर, और इस इम्पल्सिव वेव का एंड जो हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर एंड हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ये करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन हुआ, और करेक्टिव वेव के फॉर्मेशन के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे करेक्शन हॉल्ट हुआ और एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ साइड मेनू बार में हम जाएंगे और फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट करके टूल है दोस्तों इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और पहला पॉइंट दोस्तों जहां से ये स्टार्ट हुआ है इस जगह पे हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, जहां तक ये ऊपर में प्राइस गई है हम वहां तक इसे ले जाएंगे दोस्तों। और इस जगह पे आके हम दूसरे बार क्लिक करेंगे और इस जगह को, सॉरी दोस्तों मैं इसे डिलीट करता हूँ, मेरा हाथ हिल गया था और इस कारण से ये ड्रॉ करने में मुझे, तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें केवल दो पॉइंट हैं, कहाँ से वेव की शुरुआत हुई इम्पल्सिव वेव की, और इस जगह से शुरुआत हुई और यहाँ पर उसकी समाप्ति हुई। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट जो है ये 38.2% लेवल पे रुकता हुआ नजर आया। मैं इसे एनलार्ज करता हूँ ताकि आप क्लैरिटी से देख सकें। तो 38.2% पर ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर रुकता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर हमने बोला जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टूल नहीं है, तो दोस्तों हम इसमें और क्या कंबाइन कर सकते हैं स्टडीज को। तो देखिए ये दोस्तों जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है ईएमए 21। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ईएमए 21 भी है जहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट और क्या देख सकते हैं दोस्तों, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और ये देखिए दोस्तों ये रिट्रेसमेंट यहाँ हॉल्ट हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है, और इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे हम सपोर्ट देख सकते हैं, इस जगह पे सपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट क्या मिले, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ईएमए 21 भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों तीसरा कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट भी कोशिश करते हैं जानने का। अब ये दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम इसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं दोस्तों, तो आप ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के भी करीब आता हुआ नजर आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो दोस्तों वैलिड है काफी दिनों से, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पर सपोर्ट लिया और इसके पास में ही आके ये एक बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। तो अल्टीमेटली दोस्तों ये हमने एक स्टडीज को कंबाइन करके देखा कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि इसमें कई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमने ये वेव आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करते हैं दोस्तों ये सारे ड्राइंग को हटा देते हैं। अब हम जाते हैं एक्सपेंशन टूल की तरफ दोस्तों। अब एक्सपेंशन टूल को यहां पर देखिए ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन करके इस टूल का नाम है इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, इसको हमने सेलेक्ट किया। जैसा अभी हमने सीखा दोस्तों कि इसमें तीन पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत हुई तो हम पहले यहाँ क्लिक करेंगे,
इसको ऊपर तक ले जाएंगे जहां पर इम्पल्सिव वेव समाप्त हुई और जहां से करेक्टिव वेव की शुरुआत हुई, हम यहां पे क्लिक करेंगे। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, जहां पे करेक्टिव वेव की समाप्ति हुई यहां पे हम क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों देखिए, ये मैं डाउन करके दिखाऊं, ये ऑटोमेटिकली एक्सपांशन यहां पर ड्रॉ हो गया है। अब दोस्तों जैसा हमने बताया, इंपॉर्टेंट लेवल 61.8%, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों, 167.1। अब दोस्तों 100% लेवल पे, और तीसरा टारगेट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज 161.8% दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारी अब एंट्री क्या होगी दोस्तों, अब आप दोस्तों ये जो बुलिश कैंडल बना, तो ये करेक्शन की समाप्ति दर्शाया कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक किस प्रकार का बना बुलिश कैंडल स्टिक दोस्तों, इसमें है दोस्तों वन वाइट सोल्जर। जीरो टू हीरो श्रृंखला में दोस्तों इस कैंडल स्टिक पैटर्न का और मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड जो श्रृंखला में सीरीज है उसे बार बार देखिए दोस्तों, ये बहुत बार बार काम आने वाले हैं हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में। तो हमारी एंट्री क्या हो सकती है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको अपना वो तरीका शेयर कर रहा हूं जहां पर बाय एंड लार्ज अधिकतर टाइम एक फॉल्स ब्रेकआउट को बोले या फॉल्स एंट्री को बोले हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बुलिश कैंडल का हाई है, तो हाई दोस्तों है 128.8, तो दोस्तों हम एंट्री करेंगे इसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल में हम बाय स्टॉप ऑर्डर इवन मार्केट के खुलने के पहले डाल देते हैं, और ये हमारी एंट्री हो गई दोस्तों। सिंस यहाँ पे हाई जो है वो है 128.8, तो हम यहाँ पर से हम इसमें ऑर्डर डाल देंगे यहाँ पे बाय 129.20। इसके ऊपर में, हाई के ऊपर में थोड़ा सा ऊपर में ऑर्डर डाल दिया, और हम इसलिए ऐसा डालते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर कि अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम ट्रेड में नहीं होंगे। तो ये दोस्तों हो गया बाय इस लेवल पे, ये लेवल जो दर्शाया गया है इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ये सेंटर में होने से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसे लेफ्ट में अलाइन कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों बाई हो गया, यहां पे डाल दिया। अब दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो के थोड़ा नीचे। तो दोस्तों ये जो बेरिश कैंडल स्टिक है इसका जो लो है वो स्विंग लो है, वो लो है 121, तो हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे दोस्तों ये यहां पर उसके लो रहेगा, तो 120.50 पे हम अपना स्टॉप डाल देंगे और इसे मार्क कर देंगे स्टॉप 120.550। तो दोस्तों इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये क्लियरली आपको दिखाई दे, स्टॉप लॉस जो है इसका हम कलर रेड कर देते हैं दोस्तों, और टेक्स्ट का भी कलर रेड कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया स्टॉप लॉस। अब दोस्तों ये स्टॉप लॉस एक बार जब इंडिकेट हो गया तो हमें क्या पता लगा, 129.2 माइनस 120.5 इज माय रिस्क, ये मेरा रिस्क है, ये लेवल जो है ये इतना रिस्क है पर शेयर। अब दोस्तों हम टारगेट की बात करें तो टारगेट एक्सपांशन टूल से क्या निकला दोस्तों, पहला टारगेट जो हमने बोला इंपॉर्टेंट लेवल है ये हो गया 167। इसे बेटर होगा कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं ताकि आगे के दिशा को हम समझ सकें और देख सकें। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, हमारा आगे क्या होगा, ये टारगेट के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 161.8% हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए
ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। नॉर्मली हमें ऑलवेज ये जो 100% एक्सपांशन है इसको फोकस करना चाहिए। यहां पे प्राइस जाके एक माइनर रिट्रेसमेंट हो सकता है और हम अपने स्टॉप लॉस को अगर आगे देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए यहां पर पहला टारगेट अचीव हुआ और प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया और ये सेकेंड टारगेट के पास में पहुंच के प्राइस ने देखिए थोड़ा सा रिवर्सल इंडिकेट करने की कोशिश की और इसके बाद रिवर्सल तो हुआ दोस्तों, लेकिन फिर ये टारगेट यहां पर सेकंड अचीव हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां अचीव करने के बाद एक करेक्शन हुआ, लेकिन दोस्तों अभी भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। हम आगे बढ़े देखे तो दोस्तों ये जो लाइन हमने खींची है प्राइस आगे बढ़ती गई आगे बढ़ती गई और ये देखिए दोस्तों कि एक अप ट्रेंड मूव इस स्टॉक में कंटिन्यूअसली दिख रहा है और हम देख सकते हैं कि ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे आप देख सकते हैं एक लंबा पोजिशनल ट्रेड ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, जो बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि किस तरह से ये टारगेट यहाँ पे प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों इस जगह पे हमने खींचा था और इसका ये जो इम्पल्सिव वेव थी बाई यहाँ किया, स्टॉप लॉस यहाँ था, इसका पहला टारगेट यहाँ अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव हुआ, थर्ड टारगेट यहाँ अचीव हुआ, इनफैक्ट फोर्थ टारगेट 200% का एक्सपांशन भी इस जगह पे जाके अचीव हुआ। तो दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की स्ट्रेटजी क्या बना सकते थे दोस्तों, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन को खींच के रख सकते हैं। और आप देखिए प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया और ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जैसे जैसे आगे बढ़े 1 ATR बिलो द ट्रेंड लाइन हम स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, ताकि 1 ATR रखने का, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है दोस्तों। 1 ATR नीचे का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि उस केस में मार्केट नॉइजेस में स्टॉप लॉस उड़ने की संभावना खत्म हो जाती है। अब दोस्तों प्राइस बढ़ती गई, अब देखिए इतने समय तक इसने तीसरे टारगेट को भी अचीव करने के बाद ट्रेंड लाइन को यहां पर टेस्ट किया, लेकिन 1 ATR नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया एंड प्रोबेबली यहां पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूं इसी ट्रेंड लाइन को, तो आप देखिए दोस्तों इस जगह में जाके ये प्रोबेबली स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ। तो हमने एंट्री जो की वो 129 में की थी एंट्री, यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों, और हम एग्जिट करते दोस्तों करते 258 या 60 के आसपास में दोस्तों। तो ये मैजिक है दोस्तों, अगर हम ट्रेंड को राइड करते हैं तो किस तरह से एक पोजिशनल ट्रेड में बहुत बड़े पैसे बनने की संभावना हमें मिलती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सपांशन टूल का इस्तेमाल किया और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की और किस तरह से ट्रेंड को राइड कर सकते हैं इसके बारे में हमने जाना, और एक्सपांशन टूल के अलावा किस तरह से टारगेट 1, 2, 3 के बारे में हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों सेम एग्जांपल डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं और किस तरह से हम रिट्रेसमेंट एंड एक्सपांशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जहां पे हम या तो बाउंस बैक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को देखें या फिर हम पोजिशनल ट्रेड ले सकें। तो सबसे पहले दोस्तों इस चार्ट को देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और हम देख सकते हैं प्राइस क्यों डाउन ट्रेंडिंग है दोस्तों, प्राइस एसएमए 233 के नीचे है, एसएमए 89 एसएमए 233 के नीचे है, और इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी यहां पर ईएमए 21 जो है वो ईएमए 55 के नीचे है। अब दोस्तों यहां पर हम सिंस ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो नेचुरली इम्पल्सिव वेव जो होगी वो फॉलिंग वेव होगी और वो उसका साइज बड़ा होगा।
अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये एक इम्पल्सिव वेव है जिसका फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ये टूल है फिव रिट्रेसमेंट। हमने अप ट्रेंडिंग मार्केट में नीचे से ऊपर वेव को खींचा, यहां पर हम इस टूल को ऊपर से नीचे खींचेंगे दोस्तों। तो यहां हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये वेव की शुरुआत यहां से हुई और ये यहां पे आके ये वेव समाप्त हुआ दोस्तों। तो हम इसे ये देखिए, यहां से फॉल होना चालू हुआ तो यहां पे हमने पॉइंट पकड़ा, इसे ड्रैग करके लाएंगे दोस्तों और आप देखिए दोस्तों यहां पर ये फाइनली सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस जगह पे हम इसे खींच देंगे। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो करेक्टिव वेव का फॉर्मेशन हुआ ये कहां पे होल्ड हुआ दोस्तों, 61.8% पे इस बेरिश कैंडल की। ये देखिए दोस्तों ऊपर जा रहा था, यहां पे बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन है, इसके बाद में एक इस कैंडल को ध्यान से देखें दोस्तों तो ये कैंडल एक गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस ने हाई बनाया, एक बड़ी सी अपर शैडो दे सकते हैं और 61.8% से प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक मासिव फॉल उसी दिन हुआ गैप अप ओपनिंग होने के बाद और इस ग्रीन कैंडल को प्राइस ने एनगल्फ कर लिया। तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो दोस्तों यहां पे हम क्या कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट देख सकते हैं, 61.8% का रिट्रेसमेंट है। चलिए दोस्तों अब हम यहां पर हम ये दोस्तों मैंने यहां पर इस जगह पे ध्यान से देखें दोस्तों तो ये देखिए यहां पर रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस है और इसके पहले भी यहां पर रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, उसके पहले यहां पे एक सपोर्ट था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या देख सकते हैं कि ये रिजेक्शन जहां पे हुआ, ये प्राइस का रिजेक्शन जिस जगह पे हुआ वो ईएमए 55 का भी कन्फ्लुएंसिंग एरिया है। तो ईएमए 55, प्राइस एक्शन एंड दोस्तों बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, तो ये कई चीजों को कंबाइन करने से पता लगा दोस्तों कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब इसे हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों, ये हमने रिमूव कर दिया। अब दोस्तों इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, सेम तरीके से बनेगी। मैं आपको ये कैंडल जो बेरिश कैंडल है इसका जो लो है वो दोस्तों लो है 545.5, तो हम इसमें सेल स्टॉप ऑर्डर यहां डालेंगे दोस्तों। ये देखिए मैंने लाइन खींचा, सेल स्टॉप ऑर्डर डालेंगे क्योंकि आज शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है और ये दोस्तों इसे हम डालेंगे जो लो है बेरिश कैंडल का, एनगल्फिंग कैंडल का, उस लो के नीचे, ताकि अगर वो ट्रिगर नहीं होता तो हम ट्रेड में नहीं होंगे, अगर ट्रिगर होता है तो हम ट्रेड में होंगे। तो दोस्तों ये जो है हम यहां पे एंट्री लिख देंगे, एंट्री यानी स्केल में क्या हुआ दोस्तों सेल, और सेल की प्राइस क्या होगी, इसका जो लो है, लो है दोस्तों 545.5, तो हम यहां पर 544.5 ये लो हो गया दोस्तों। अब इसको मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं ताकि इसे आप देख सके, ये टॉप में होने से दिखाई नहीं दे रहा है, इसे मैं बॉटम में कर देता हूं ये दोस्तों, और इसे लेफ्ट में अलाइन कर देता हूं। तो दोस्तों ये हमने एंट्री को दर्शा दिया, ये एंट्री हो गया, ये देखिए दोस्तों इसके नीचे एंट्री हो गई। अब दोस्तों एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये जो बेरिश कैंडल है दोस्तों यही तो स्विंग हाई है। अब ये स्विंग हाई क्या है, ये हाई पॉइंट जो है इस कैंडल का वो है दोस्तों 597, तो हमारा क्या रहेगा उसके ऊपर में, स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम यहां पर स्टॉप लॉस डाल देते हैं, यहां पे स्टॉप लॉस हो गया स्टॉप 598, तो यहां पे दोस्तों हम इसे मार्क कर देंगे 598 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये दोस्तों स्टॉप लॉस हो गया।
अब दोस्तों टारगेट कैसे निकलेगा, उसके लिए हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों देखिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन करके है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन करके किसी सॉफ्टवेयर में होगा। तो यहां से दोस्तों इंपल्स वेव की शुरुआत हुई, यहां से हमने जहां तक ये वेव गिरी वहां तक लाए, और ये जहां इसने हाई बनाया वहां से हमने इसे थर्ड पॉइंट को मार्क कर दिया। अब दोस्तों देखिए ये जो फर्स्ट टारगेट है इस जगह पे, मैं इससे पहले तीनों टारगेट को मार्क कर लेता हूं ताकि, तो ये पहला टारगेट था दोस्तों, ये हमारा सेकंड टारगेट था, और दोस्तों तीसरा टारगेट भी मार्क कर लेते हैं 161.8% एक्सपेंशन। तो ये दोस्तों तीसरा टारगेट, आई एम मार्किंग थर्ड टारगेट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थर्ड हो गया। और दोस्तों हम यहां पे क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट टारगेट है वो तो इमीडिएटली अचीव हो गया नेक्स्ट कैंडल में ही, ये हमारा ऑर्डर यहां एग्जीक्यूट हुआ और ये टारगेट अचीव हो गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें फोकस 100% एक्सपेंशन पे आने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टारगेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टारगेट को अचीव करने के बाद हल्का सा पुल बैक हुआ क्योंकि ये पोटेंशियल रिवर्सल एरिया भी है दोस्तों। इसके बाद में आप देखिए दोस्तों ये ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस, तो उसके बाद प्राइस गिरती रही और यहाँ पे जाके सेकंड टारगेट अचीव हुआ। ये देखिए लाइन हॉरिजॉन्टल खींची हुई है, इसके बाद प्राइस आगे गई, फिर इसने थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा पुल बैक दिया, कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे आके देखिए थर्ड टारगेट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से एक पोजीशन ट्रेड लॉन्ग टर्म में ये काम करते हैं। और हमने देखा दोस्तों एक एग्जांपल जो हमने देखा वो अप ट्रेंड में देखा, दूसरे एग्जांपल को देखा जो ये डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए दोस्तों इस जगह से ये इम्पल्सिव वेव पे हमारी इस जगह पे एंट्री हुई, स्टॉप यहाँ था और ये तीसरा टारगेट यहाँ पे आके अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट तो बहुत जल्दी ही अचीव हो गया। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अप ट्रेंडिंग मार्केट के एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एनालाइज करते हैं एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ये दोनों टूल को कंबाइन करके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये एक इम्पल्सिव वेव थी और इसका जो ये करेक्शन हुआ, ये करेक्शन आप देखिए यहाँ पे 38.2% पे ये हॉल्ट हुआ। हम सभी जानते हैं दोस्तों 38.2 जो है वो एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का 61.8% का। साथ में कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे रेजिस्टेंस था, इस जगह पे रेजिस्टेंस था और जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट क्या है, ईएमए 55 एंड ईएमए 89 दोनों यहाँ पर कन्फ्लुएंसिंग एरिया है। तो दोस्तों अल्टीमेटली अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो भी बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, यहां पर आप देखिए बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन हुआ है और बुलिश पियर्सिंग के फॉर्मेशन के हाई के ऊपर में हम अपना बाय स्टॉप ऑर्डर डालेंगे। अब दोस्तों हाई के ऊपर में डालने का क्या रीजन है कि अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हम इस तरीके से कई बार फॉल्स सिचुएशन को, फॉल्स ब्रेकआउट बोले या फॉल्स फॉर्मेशन बोले या फॉल्स बाउंस बैक बोले, इसको लार्ज एक्सटेंट तक अवॉइड करने में हम सफल होते हैं। अब दोस्तों इस जगह पे एंट्री करने के बाद यहां पर हमारा एंट्री जो आ रहा है 110 आ रहा है दोस्तों, क्योंकि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई का 109.5 है तो 110 पे
एंट्री आ गई। अब स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस स्विंग लो जो दोस्तों आ रहा है 102। तो क्या इसका तात्पर्य हुआ दोस्तों कि हम पर शेयर 8 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। 8 रुपीज पर शेयर इज माई रिस्क इन दिस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों दोस्तों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्सल दिखा रहा है, वहां पे कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है EMA 21 एंड EMA 55 एंड EMA 89, और साथ में प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था अब उस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो कई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट्स हमें मिल गए। अब दोस्तों अगर हमने इसका टारगेट निकाला तो अब देखिए दोस्तों हमारा टारगेट 1 जो आ रहा है ये इस जगह पे आ रहा है दोस्तों, ये है टारगेट 1। फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को हमने इस्तेमाल किया, ये यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऑफ इंपल्सिव वेव है, एंड ऑफ इंपल्सिव वेव है, और यहां से फिर इंपल्सिव वेव का करेक्टिव वेव का करेक्शन समाप्त हुआ और वहां से जो राइज किया हमने प्रोजेक्शन कर दिया। सेकेंड टारगेट आ रहा है दोस्तों 189 पे, और अब देखिए दोस्तों फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ इस जगह पे, सेकेंड टारगेट अचीव हुआ। अब जैसा हमने बोला कि फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद या तो हम एक स्ट्रेटजी सेकेंड टारगेट पे हमेशा निकल जाएंगे, और या फिर फर्स्ट टारगेट को अचीव होने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ताकि हम ट्रेंड को राइड कर सके। तो इन दिस केस अगर आप फर्स्ट टारगेट पे निकल गए होते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 से भी ऊपर आ रहा है, और अगर आपने तय किया होता कि सेकंड टारगेट तो वो भी अचीव हुआ है, वो तो बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, हमने 8 रुपए का रिस्क लिया, हमारी एंट्री 110 पे हुई, सेकंड टारगेट इज 189 विच इज वेरी बिग। अब दोस्तों अगर हम ट्रेंड को राइड करने की प्रक्रिया रखते और पोजिशनल ट्रेड को हम लेके ट्रेंड को राइड करते और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते, तो हमने ये ट्रेंड लाइन खींची है दोस्तों, आप ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जी, तो इस जगह पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो दोस्तों हम इस जगह निकलते। तो दोस्तों ये अगर आप ट्रेडिंग में ये इम्पॉसिबल है किसी को कि एकदम टॉप पे निकलना, क्योंकि इस केस में थर्ड टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसके पहले हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो पिछले एग्जांपल में देखा हमने कि पिछले कुछ एग्जांपल में आज के सेशन में देखा कि थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया, फोर्थ टारगेट भी अचीव हो गया। तो दोस्तों ये संभावनाओं का गेम है, ट्रेंड राइड करने से एक हमेशा संभावना बनती है बड़े पैसे की। यहाँ पे हमने ये जो डिफरेंस लूज किया यहां से लेके यहां तक का, ये संभावनाओं को प्ले करने का किया, लेकिन फिर भी हम सेकंड फर्स्ट टारगेट के ऊपर में निकल पाए। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, और वे एग्जांपल होगा दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक का। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और किस तरह से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पहले चेक करेंगे और फिर एक्सपेंशन को चेक करके शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं ये एक मेजर इंपल्सिव वेव है, इसके बाद में ये पुल बैक हुआ दोस्तों, और ये पुल बैक आप देखिए 38.2% पे जाके हॉल्ट हुआ, और इस जगह पे हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद उस जगह पे अगर हम देखें दोस्तों तो एक कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ये है, EMA 21 का भी रेजिस्टेंस था, तो दो कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट मिले। नंबर वन एक हमें मिला 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का 61.8% का, और इसके बाद हमें क्या मिला, कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार जो एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीसरा क्या हमें मिला दोस्तों, 21 मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का रेजिस्टेंस रिजेक्शन।
ये डाउन ट्रेंडिंग है, सारे मूविंग एवरेजेस स्लोपिंग डाउन है, इंडिकेट करते हैं ओवरऑल बेरिशनेस। अब दोस्तों इस जगह पे हमने क्या किया कि जो बेरिश कैंडलस्टिक बनी जहां पे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन था, तो वहां पर हमारी एंट्री आई 627, जो उसका लो था उसके नीचे। स्टॉप लॉस क्या आया दोस्तों, स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई, जो शूटिंग स्टार का हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो आ गया 650। अब दोस्तों फिबोनाची एक्सपेंशन से पहला टारगेट 513 रुपए, 513, वेरी बिग प्रॉफिट, मच वेरी गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो। सेकंड टारगेट, जैसे फर्स्ट टारगेट हुआ हमने ये फर्स्ट टारगेट यहां पे अचीव हो गया। आप दोस्तों देखिए इस जगह पे हमने इसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया ताकि हम ट्रेंड को राइड कर सके, और आपने देखा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ इसका यहां जाके, जो 446 था, बहुत बड़ा टारगेट छोटा सा रिस्क। और दोस्तों अल्टीमेटली इसमें एक पुल बैक हुआ और ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी जो यहां पे ब्रीच हुई और अल्टीमेटली हम यहां पे निकल पाए। तो दोस्तों इस केस में भी तीसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, सेकंड टारगेट के बाद में पुल बैक हुआ, लेकिन हम फर्स्ट टारगेट से बेहतर प्राइस पे और अधिक प्रॉफिट लेके निकल पाए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमने ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दिया कि फिबोनाची एक्सपेंशन एक टूल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं टारगेट्स को निकालने के लिए, पोटेंशियल टारगेट्स को निकालने के लिए, और वो एक्सपेंशन कौन कौन से मेन लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया, 61.8%, 100%, 161.8%, ये एक्सपेंशन एरियाज हैं। अब दोस्तों जब हमने इस कंसेप्ट को टारगेट के समझा तो इसे कंबाइन किया कि किस तरह से हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो पिछला एपिसोड था जीरो टू हीरो सीरीज में जिसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जिक्र किया। तो सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रिवेलिंग ट्रेंड है, क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अप ट्रेंड है तो दोस्तों हम एक इंपल्सिव वेव को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के द्वारा रिट्रेसमेंट कहां पर या पुल बैक या करेक्शन कहां पर समाप्त हुआ, और वो समाप्त होने का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट की रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, और उसे दूसरे स्टडीज के साथ हमें कंबाइन करना है कि क्या वो डिमांड एंड सप्लाई जोन में आ रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के हिसाब से, या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, या कोई की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, ईएमए 21, ईएमए 55, एसएमए 89 या एसएमए 233। अगर इस सपोर्ट के पास में हमें कम से कम दो कंफ्लुएंसिंग पॉइंट मिले और एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, सिंस हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो वो रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, वो पैटर्न बुलिश पिन बार हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, बुलिश पियर्सिंग हो सकता है, बुलिश हरामी हो सकता है, वन वाइट सोल्जर हो सकता है, कोई भी वो सपोर्ट एरिया के पास बनना चाहिए। हमने जीरो टू हीरो श्रृंखला में सीखा है दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का रेलेवेंस तभी हाई है जब वो एक सपोर्ट के पास में बने, या इन केस ऑफ बेरिश कैंडलस्टिक एक की रेजिस्टेंस एरिया में बने। उसके बाद दोस्तों हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या सीखा कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पहली बनेगी जो इंडिकेट करेगी कि इस क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से ये रिवर्सल दिखा रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्सल दिखा रहा है, तो उस बुलिश कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर में हम बाय स्टॉप ऑर्डर डालेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, जो स्विंग प्रीवियस स्विंग लो होगा उसके थोड़ा सा नीचे होगा। अब एक्सपांशन टूल का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट वन जहां से इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई है, उसे ऊपर तक पुल करेंगे
पॉइंट टू तक जहां इंपल्सिव वेव समाप्त हुई है, अब पॉइंट थ्री उसे ड्रैग करेंगे जहां पर करेक्टिव वेव समाप्त हुई है, और उसे टूल के द्वारा हमें एक्सपांशन लेवल्स मिल जाएंगे, प्रोबेबल टारगेट्स मिल जाएंगे, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, फोर, सो मेनी टारगेट्स। नाउ चॉइस आपके पास है कि आप फर्स्ट टारगेट में निकलना चाहते हैं, निकल जाइए। अगर रिस्क रिवार्ड, आपको एंट्री के पहले केवल रिस्क रिवार्ड रेशियो चेक करना है कि स्टॉप लॉस से कम टू टाइम्स पे फर्स्ट टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है फर्स्ट टारगेट में निकलना चाहते हैं, बट उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी मैं फर्स्ट टारगेट पे निकलूंगा, कभी सेकंड पे निकलूंगा, कभी ट्रेंड को राइड करूंगा। स्ट्रेटजी बहुत फर्म होनी चाहिए, जितनी बार उसे रिपीट करेंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, उतना इंप्रूवमेंट आएगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। और या फिर फर्स्ट टारगेट के बाद हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं और उस ट्रेंड लाइन को एक ट्रेलिंग स्टॉप की तरह यूज कर सकते हैं। अब उसमें हमें सेकंड टारगेट मिलता है, थर्ड टारगेट मिलता है। हमने आज के एग्जांपल में देखा, एक एग्जांपल में हमें फोर्थ टारगेट भी मिला, उसके बाद में वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन हुआ। एक केस में हमें सेकंड टारगेट मिला और उसके बाद में हम सेकंड टारगेट में नहीं निकल पाए, थोड़ा सा हमें उसमें से लॉस हुआ, बट हम फर्स्ट टारगेट के ऊपर निकल पाए। तो दोस्तों, ट्रेंड राइड करने पे एक बड़े पैसे बनने की संभावना है और हम रिस्क से 3 times, 4 times, 5 times, 6 times पैसे कमाने की संभावनाओं को रखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फिबोनाची टूल्स जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट टूल्स नहीं है, उन्हें दूसरे स्टडीज के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। और आज हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सपांशन को कंबाइन करके अदर स्टडीज के साथ कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं, इसके बारे में जिक्र किया। आई होप दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, अगर जीरो टू हीरो श्रृंखला में एपिसोड नंबर 20 आपको पसंद आया है, एपिसोड नंबर 20 आपको पसंद आया है, तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा एंड दोस्तों सोशल मीडिया पे शेयर करना इसे नहीं भूलिएगा, ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके। एंड सबसे पावरफुल मीडिया है दोस्तों, इस चैनल से इस वीडियो का शेयरेबल लिंक ले लीजिए और उसे आप अपने सोशल मीडिया में, खास करके व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में आप शेयर कीजिए। जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर को जानते हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हम एक इंटरैक्टिव लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग का प्लेटफॉर्म, एक मोस्ट एडमायर्ड चैनल हिंदुस्तान का फाइनेंशियल मार्केट का डेवलप कर सके दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। और बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फीडबैक जरूर दीजिएगा और कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।